महंगाई को लेकर रीवा में यूथ कांग्रेस ने अनोखा प्रदर्शन किया है। दरअसल बढ़े हुए गैस की कीमतों को लेकर इन दिनों कांग्रेस पार्टी मुखर है और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार पर सीधा निशाना बोल रही है। इसी क्रम में महंगाई के विरोध में मध्य प्रदेश के रीवा में यूथ कांग्रेस ने अनोखा प्रदर्शन करते हुए नाले में पाइप लगाकर खाली सिलेंडर भरने का प्रदर्शन किया। युवा कांग्रेस के सदस्यों के द्वारा बताया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेरोजगार युवकों से कहा था कि वह नाले की गैस से भी अपना सिलेंडर भर सकते हैं। आज हम लोगों ने नाले से अपना सिलेंडर भरने का प्रयास किया, लेकिन सभी बातों की तरह प्रधानमंत्री की यह बात भी जुमला ही निकली और हमारा सिलेंडर खाली रह गया। युवा कांग्रेस के सदस्यों का कहना है कि आज पूरा देश महंगाई से जूझ रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तानाशाही रवैये के साथ काम कर रही है। आज आप लोग नाली से गैस, आज महंगाई चरम सीमा पर है और मोदी सरकार जो है लगातार महंगाई की मार से जनता को रोज रोज करंट का लगा रही है। उसी को विरोध में लेकर मोदी जी ने कुछ दिन पहले कहा था कि रोजगार के लिए आप लोग अपने गैसों को नालों और नर्दों से भर सकते हैं। आज उसी को लेकर हम लोग आज अपना सिलेंडर घर का लेकर नालों पे पहुँचे और नाले में पहुँचने के बाद सिलेंडर को नाले से गैस निकालने का प्रयास कर रहे थे, जिसमें ये भी एक मोदी जी के हर बातों के साथ ये भी एक जुमला निकला, हमारा खाली सिलेंडर खाली ही रह गया। और लगातार सिलेंडर जो है इन एक महीने के अंदर, ये 2014 के बाद आज तक 2014 में 400 रुपये सिलेंडर था, आज सिलेंडर की कीमत जाके 915 रुपये रीवा में हो चुकी है। लगातार जनता को महंगाई की मार से जनता एकदम करा रही है, मगर तानाशाही रवैये से मोदी सरकार लगातार जनता को करंट देने का काम कर रही है। आने वाले समय में जनता पेट्रोल हो चाहे डीजल हो चाहे गैस का सिलेंडर हो और चाहे घर का खाने का तेल हो, 200 रुपए खाने का तेल बिक रहा है और जनता सब देख सुन रही है। आने वाले चुनावों में जैसे बंगाल में उनको झटका लगा है, 2023 में जनता की ये सरकार थी और जनता ने मोदी जी को चुना था और युवाओं से 2 करोड़ रोजगार का मोदी जी ने वादा किया था। अब रोजगार नहीं दे पा रहे हैं तो कहीं पकौड़ा तलने की बात कर रहे हैं, कहीं गैस को नाले से भरने की बात कर रहे हैं। उसी को विरोध में लेकर यूथ कांग्रेस रीवा विधानसभा का अध्यक्ष मैं जुबैर खान आज ये प्रोग्राम को साई बाबा मंदिर के सामने अपने घर से सिलेंडर लेकर पहुँचा और सिलेंडर को गैस सिलेंडर को नाले से भरने की कोशिश की। ये भी मोदी जी के 1 लाख जुमले में 101 लाख जुमला ये भी साबित हुआ, सिलेंडर नहीं भरा, सिलेंडर खाली का खाली रह गया।